इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.10 में जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में पहला प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ वन लेस देन ए सर्टेन पॉजिटिव नंबर एंड टू लेस देन थ्री टाइम्स द नंबर इज 14, फाइंड द नंबर। हमने एक नंबर फाइंड करना है कि उस नंबर में से एक लेस करें और उसके थ्री टाइम्स में से टू लेस करें और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 14 आता है। हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इज एक्स। अब कंडीशन हमारे पास क्या दी गई है, कंडीशन हमारे पास ये है कि इस नंबर में से अगर हम एक लेस कर दें और इसी नंबर के थ्री टाइम्स में से टू लेस कर दें, थ्री टाइम्स इसका हो जाएगा 3x और इसमें से टू लेस कर दें, दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 14 के इक्वल है। अब हमने नंबर फाइंड करना है। जो चीज हमने फाइंड करनी होगी उसको हम किसी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर देंगे और उसके बाद जो कंडीशन दी गई होगी उसको हम सिंबॉलिकली इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे। अब यहां पे हमने नंबर को लेट कर दिया एक्स और उसके बाद कंडीशन जो थी वो ये थी कि वन लेस देन मीन्स नंबर एक्स एक्स माइनस वन एंड टू लेस देन थ्री टाइम्स द नंबर, थ्री टाइम्स इसका हो गया 3x माइनस टू, दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 14 के इक्वल है। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो होगी 3x² माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। बाय फैक्टराइजेशन हम इसको सॉल्व करें तो इसके हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे एक्स माइनस थ्री एंड 3x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 4/3। लेकिन हमें जो है वो प्रॉब्लम में बता दिया है पॉजिटिव नंबर, तो हम सिर्फ जो है वो पॉजिटिव नंबर को ही कंसिडर करेंगे। सो एक्स इज 3, तो 3 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम 3 में से 1 माइनस करें और 3 के 3 टाइम्स में से 2 माइनस करें, 3 का 3 टाइम्स हमारे पास होगा 9 माइनस 2, तो ये हमारे पास 14 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 3 माइनस 1 इज 2 एंड 9 माइनस 2 इज 7 विच इज इक्वल टू 14, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। इसको सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले हम यही करते हैं, लेट करते हैं, लेट द नंबर इज एक्स। उसके बाद कंडीशन है सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, तो नंबर हमने लेट किया है एक्स, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू 380 मीन्स दैट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 380। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 इज इक्वल टू जीरो। इसको जब हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स माइनस 19 एंड 3x प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो।
x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 19 एंड x इज इक्वल टू -20/3। लेकिन हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर कंसीडर करना है क्योंकि उसने बताया हुआ है पॉजिटिव नंबर का। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 19। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सबसे पहले सिर्फ हमने इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद तो बाकी वही है जो हमने पूरे चैप्टर में स्टडी किया था। फैक्टराइजेशन करनी है या छोटे मोटे और स्टेप्स करने होंगे। सबसे जो यहाँ पे काम है वो ये है कि सिर्फ हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी उसको इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद तो सॉल्व करना कोई मसला ही नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5, फाइंड द नंबर। सबसे पहले हम यही करते हैं, लेट कर लेते हैं नंबर को, लेट द नंबर इज एक्स, देन रेसिप्रोकल ऑफ नंबर हो जाएगा 1/x। देन उसके बाद कंडीशन हमारे पास क्या दी गई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन उसने यह दी है कि सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5, मीन्स दैट एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 26/5। इसको हम सॉल्व करते हैं, 5x से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5x² - 26x + 5 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे x - 5 × 5x - 1 = 0। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x = 5 and x = 1/5। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 and 1/5। अगर हम 5 लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 1/5 होगा, उसको सम करेंगे तो 26/5 आंसर आएगा। और अगर हम 1/5 लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 5 होगा, सम करेंगे तो आंसर सेम आएगा। सो हमने बिल्कुल वही किया, जो चीज फाइंड करनी होगी सबसे पहले उसको लेट कर लेंगे किसी वेरिएबल के इक्वल, उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट होगी उसको हम सिंबल्स की फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद जो कंडीशन दी गई होगी उसके मुताबिक इक्वेशन बना लेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास अननोन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज, ए फार्मर बॉट सम शीप फॉर ₹9,000, इफ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच, ही वुड हैव गॉट 3 शीप मोर फॉर सेम मनी, हाउ मेनी शीप डिड ही बाय व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म। एक फार्मर है जो कि 9,000 रुपीज में कुछ शीप खरीदता है और क्वेश्चन ये है कि अगर उसे हर शीप के लिए 100 रुपीज लेस देना पड़े तो वो 3 शीप ज़्यादा खरीद सकता है, तो हमने बताना है कि वो कितनी शीप खरीदेगा। उसने लेट हम कर लेते हैं कि 9,000 रुपीज में एक्स शीप खरीदी, लेट ही बाय एक्स शीप फॉर 9,000 रुपीज। अगर 9,000 रुपीज से उसने एक्स शीप खरीदी है तो एक शीप की कीमत क्या होगी, प्राइस ऑफ वन शीप डेफिनेटली ये होगी 9,000 / x। अब क्वेश्चन ये है कि अगर उसे हर
के लिए 100 लेस पे करना पड़े, जब हर शीप के लिए 100 लेस पे करना पड़ेगा तो एक शीप की कीमत हो जाएगी 9000 ओवर एक्स माइनस 100, और वो इससे शीप्स कितनी खरीदेगा? उससे वो 3 मोर एक्स प्लस 3 शीप जो है वो खरीद सकता है। अब हमें एक शीप की कीमत भी पता चल गई, जितनी वो खरीद सकता है वो भी पता चल गई, जितनी हमारे पास अमाउंट है वो भी हमें पता है। तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि अगर एक शीप की हमारे पास कीमत है 9000 ओवर एक्स माइनस 100 और वो शीप खरीद सकता है एक्स प्लस 3, अमाउंट उसके पास है 9000। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो वहां पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास नंबर ऑफ शीप होगी जो वो 9000 रुपीज से खरीद सकेगा जब उसके पास जो रेट है वो 100 लेस होगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सारी इक्वेशन को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, 90 ओवर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 90 ओवर एक्स प्लस 3। फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि इस फॉर्म में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व किया तो उसकी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आप खुद इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो इसके हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे एक्स माइनस 15 एंड एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0। एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक्स इज इक्वल टू 15 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 18। नंबर ऑफ शीप जो है वो माइनस तो हो नहीं सकता, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। सो एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास 15 है, तो इसका मतलब है कि वो 15 शीप खरीद सकता है 9000 रुपीज में। क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो चीज हमने फाइंड करनी होती है उसको लेट कर लेते हैं किसी भी चीज के इक्वल। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ शीप फाइंड करना था, उसको एक्स के इक्वल फाइंड कर लेट कर लिया। देन उसके बाद जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं उनको हम इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं, तो जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास अननोन वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे बिल्कुल इसी टाइप के हैं और उनको एक ही तरीके से सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 इज टू डू ए पीस ऑफ वर्क ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज, हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू फिनिश इट अलोन। कि कोई भी काम है उसको करने में ए जो है उसको 10 दिन ज्यादा लगते हैं बी से, और दोनों अगर इकट्ठे काम करें तो वो उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। और हमने ये बताना है कि अगर बी अकेला काम करे तो कितने दिनों में उसको ख़त्म करेगा। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम लेट करेंगे एक्स के इक्वल। सपोज बी फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, अगर बी इसको एक्स डेज में फिनिश करता है तो ए उसको उससे 10 दिन ज्यादा लगते हैं, देन ए विल फिनिश इट इन
x plus 10 days. तो a का एक दिन का वर्क हमारे पास आ जाएगा, अगर वो x plus 10 days में इसको फिनिश करता है तो a का एक दिन का वर्क हमारे पास होगा is one day work. वो हमारे पास हो जाएगा 1 over x plus 10. और b का one day का वर्क हमारे पास क्या होगा, b इसको x डेज में खत्म करता है तो उसका एक दिन का काम हमारे पास हो जाएगा 1 over x. और जब वो दोनों काम करते हैं तो इसको 12 डेज में खत्म करते हैं, तो टुगेदर उनका जो एक दिन का काम होगा is and b's one day work, वो होगा 1 over 12. तो इसका मतलब है कि दोनों का जो काम है 1 over x plus 10 plus 1 over x is equal to 1 over 12. ये दोनों का कंबाइन है, ये दोनों का अलग अलग है. हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की. यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी. इक्वेशन हमारे पास जो होगी वो होगी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन जाएगी जो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x प्लस 12 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड x इज इक्वल टू 10. अब दिन जो है वो हमारे पास नेगेटिव तो हो नहीं सकते, सो ये पॉजिटिव वाला आंसर जो है वो है कि b जो है वो अगर अलोन इसको करे तो वो इसको 10 डेज में फिनिश करेगा. क्वेश्चन था कि एक काम करने में a को b से 10 दिन ज्यादा लगते हैं, अगर वो इसी काम को इकट्ठे करें तो 12 डेज में खत्म करते हैं, अगर b उसको अकेला करे तो कितने दिनों में खत्म होगा. जो चीज फाइंड करनी है उसको x के इक्वल सपोज किया, जो कंडीशन दी गई है कंडीशन है कि a को उससे 10 दिन ज्यादा लगते हैं तो वो कंडीशन लिख दी, उसके बाद दोनों अगर करते हैं तो वो उसको 12 डेज में खत्म करते हैं. तो उनका एक दिन का वर्क निकाल लिया, a का एक दिन का वर्क, b का एक दिन का वर्क, दोनों का कंबाइन एक दिन का वर्क, और दोनों का कंबाइन जो है वो डेफिनेटली इक्वल होगा दोनों के इंडिविजुअल्स के. उस वहां से एक इक्वेशन आ गई, उस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास अननोन वेरिएबल की वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास है कि बी को कितना टाइम लगेगा एक काम को खत्म करने में. इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टाइप की हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करने की यहाँ पे कोशिश की गई है. बाकी कॉन्सेप्ट आप दे दिया गया है और आप बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको खुद करेंगे. दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.10.